हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ साबूदाने के वड़े, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और व्रत वगैरह में भी खाए जाते हैं। व्रत के लिए तो बहुत ही आसान और अच्छी रेसिपी है। तो आइए बनाते साबूदाना वड़ा। इसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, जिसे आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। 4-5 आलू, 5-6 आलू, आप अपने हिसाब से जितने भी आलू लेना चाहें ले लें। उबाल कर रख लिया है, इसे मैश कर लिया है। अब एक बड़े बाउल में साबूदाना जो कि फूल चुका है उसे निकाल लूँगी और इसमें मैश किया हुआ आलू निकाल लूँगी। मैंने 3-4 हरी मिर्च कूट कर रखी थी, वो ले लूँगी। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने सेंधा नमक लिया है, मेरा व्रत है इसलिए। आप इसमें मूंगफली दाने भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब इसे पूरी तरह अच्छी तरह मिला लें। और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लें। इसका डो रेडी हो गया है। अब मैं गैस पर कढ़ाई रखकर गैस चालू कर दूंगी। कढ़ाई गर्म होती है, फिर मैं इसमें तेल डालूंगी। मैंने इसमें मूंगफली तेल लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी तेल ले सकते हैं। अब मैं बड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने छोटे 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 बड़े बनाए हैं, आप अपने हिसाब से जैसे भी छोटे बड़े बड़े बनाना चाहें वैसे बना लें। मैंने इस साइज़ के बड़े लिए हैं, 6-7 बड़े मैं बनाकर रख लूँगी, जितने भी एक बार में मेरी कढ़ाई में डालेंगे। चलिए, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें वड़े ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। धीरे धीरे हम वड़े डालते जाएंगे। वड़े थोड़े दूर दूर ही डालेंगे ताकि आपस में चिपके ना। मैं इसमें सारे वड़े ऐड कर दूँगी और इसे धीमी आंच पर मीडियम हीट पर तलने दूँगी। अब एक एक करके वड़े को पलटा देंगे। एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं हमारे वड़े।
अब बड़ों को एक बार और पलटा देंगे जिसे सभी तरफ से अच्छी तरह तल जाए। बड़े रेडी हो चुके हैं, मैं इसमें प्लेट में निकाल लूँगी। तो लीजिए, हमारे साबूदाना के बड़े रेडी हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा चैनल पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।